मोदी सरकार ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए हैं, डिमोनिटाइजेशन खत्म हो चुका है, बजट आने वाला है, पहली बार बजट और रेलवे बजट को मिलाकर एक किया गया है और जीएसटी लागू होने वाला 2017 से। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। सर स्वागत है जी बिजनेस में आपका। सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, डिमोनिटाइजेशन खत्म हो गया है, बजट से क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरह का बजट हो सकता है? ये जॉब ओरिएंटेड बजट होगा, ज़्यादा जॉब क्रिएशन फोकस होगा सरकार का, या फिर इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला बजट होगा? ये दोनों कोई अंतर विरोध तो है नहीं। इकोनॉमी को बूस्ट करना और इकोनॉमिक बूस्ट तब होती है अगर ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिलती है, और ये कोई अभी की सिर्फ बजट की विषय नहीं है। निश्चित रूप में डिमोनिटाइजेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया, तब वो सारे कुछ अपना रणनीति उन्होंने खुलासा किया है। विशेष करके एक ऐसे सेक्टर को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए बड़ा महत्वाकांक्षी योजना बनाने के लिए बैंकों को सुझाव दिया था और बैंकों ने उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया। भारत की ग्रामीण इलाका में, भारत की शहरी इलाका में गरीब और निम्न मध्यवर्गीय लोगों की जिनकी घर आवश्यकता है, जो अपना सपने को पूरा करने में दिक्कत महसूस करते थे, अभी कम ब्याज की दर पे, कम इंटरेस्ट रेट पे उनको ऋण मिलना शुरू हो जाएगा। एक प्रकार से 4 से 6% की दर पे उनको ऋण अभी मिलने वाला है। उसके कारण हाउसिंग सेक्टर में एक तेजी आने वाला है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसके कारण सर्विस इंडस्ट्री, जिसके कारण ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा मैंडेट्स बनने वाला है। मजदूर से लेके डिफरेंट स्पेसिफिक सेगमेंट के लोगों को नया रोजगार की सृजन होगा। एमएसएमई में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, उसके लिए भी बहुत सारे पैकेज घोषणा किया गया है और उनकी इंटरेस्ट रेट को भी घटाने का योजना बनाई गई है। ये सारा विषय को दिखने में सिर्फ एक दो सेक्टर की नहीं, और समूचा हमारी सरकार आने के बाद जो हम लोगों की जो सारे स्कीम्स बने हैं, एक एक स्कीम को उठा के आप देखें, मुद्रा योजना, प्राइमरी सेक्टर की लेंडिंग को मल्टीफोल्ड करवाना, मेक इन इंडिया की योजना, देश में एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आंदोलन करना, एक आधा क्लस्टर नहीं, देश भर में मेक इन इंडिया को एक महत्व देना, विशेषकर उसमें से भी पिछड़े और दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को अपने पैर पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, खुद की पैर पे खड़े होने के लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप योजना की भी कल्पना की गई है। ये सारा विषय को अगर आप एक बड़े कैनवास पे देखते हो कि हमारी सरकार की नीति रही है, देश के अंदर 65% आबादी जिनकी आयु 35 साल के नीचे है, उनके हाथ में रोजगार देना, उनको सब्सिडी नहीं एम्पावर करना, यह हमारी सरकार की नीति रही है और उसी में हम पिछले 3 बजट को उसी पे हमने जोर दिया है, अगले बजट को भी उसी पे हम लोग ले जाएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी कुछ इंडिकेशन दिया है और काफ़ी रियायतें भी दी हैं, जैसे कि अपने हाउसिंग सेक्टर में और इस सब सेक्टर में। अगर हम आपके मंत्रालय की बात करें, आपके मंत्रालय ने जैसे कि आपने कहा कि डीबीटी स्कीम की बात है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा एलपीजी के केस में, इसको क्या अदर सेक्टर्स में भी बढ़ाने की योजना सरकार की है? फर्टिलाइजर में हो, केरोसिन के केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ हो वहाँ पे, इस पर क्या कुछ और अनाउंसमेंट हो सकते हैं बजट में? देखिए, अनाउंसमेंट करने से, अनाउंसमेंट बहुत हुए हैं, करना पड़ता है और उसको किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने आज सरकार की देनदारी का, सरकार की पेमेंट्स की, सरकार की जो स्कॉलरशिप हो, सब्सिडी हो या और प्रकार की पेमेंट हो, अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, जो प्रेग्नेंट वुमेन को, गर्भस्थ माँ बहनों को हम 6,000 रुपया सीधा सीधा उनके बैंक अकाउंट में देंगे, ये तो डीबीटी है ना। एनआरईजीएस की पेमेंट बैंक अकाउंट में हो, ये तो डीबीटी हुआ ना। सारे स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में जाए, ये तो डीबीटी हुआ ना। ऐसे ही सरकार की सारे देनदारी, अभी देखिए, सिर्फ डीबीटी की, डीबीटी एक सिर्फ सब्सिडी वाला हिस्सा डीबीटी नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार मिनिमम वेजेस में, सर्वनिम्न मजदूरी में सबसे ज़्यादा बढ़ावा हमारी सरकार ने किया, 42% की मिनिमम वेजेस को बढ़ाया गया।
हम लोग प्रतिबद्ध है कि एक सामान्य व्यक्ति को सम्मान की जिंदगी जीने के लिए जो आय की आवश्यकता उसको हम लोगों ने किया। लोएस्ट लेवल की लोगों को 42% की हम लोगों ने तनख्वाह बढ़ाया। और ये जो डीमोनिटाइजेशन के बाद जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के हम लोगों ने आग्रह किया है, हमने जिसे हमारे विभाग में हमने ये निर्णय किया है कि जितने भी प्रकार की पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर और इनफॉर्मल सेक्टर में होगी, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नाते ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और आरे अन्य स्टेक होल्डर्स इसकी चिंता करेंगे कि सारे पेमेंट बैंक खाते में हो। तो मिनिमम वेजेस की पेमेंट एक तो 42% बढ़ा, दूसरा वो सारा बैंक अकाउंट में हो, यही डीबीटी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों को बिचौलियों की मदद ना लेते हुए, मध्यस्थों की मदद ना लेते हुए सीधा सीधा ग्राहकों और हिताधिकारियों के अकाउंट में चले जाए, इसमें हमको बड़ा सफलता मिलने वाला है। नहीं बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जैसे एलपीजी में बहुत सारा लीकेज था और काफी वहाँ पे सिमिलर केस अभी किरोसिन में है, फर्टिलाइजर सेक्टर में है, क्या इस पर सरकार कुछ विचार कर रही है उस लीकेज को ब्लॉक करने की? सबसे बड़ा लीकेज मिनिमम वेजेस को पहुंचाने में है। सबसे बड़ा लीकेज जो गरीब आदमी जिसकी मेहनत पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया बनी है, सेकेंडरी सेक्टर की टर्शरी सेक्टर की कारोबार चली है, क्या उनको सरकार की नियमन की तनख्वाह मिलती थी क्या? मिनिमम वेजेस मिलती थी क्या? नहीं मिलती थी। विषय सिर्फ सरकार की तिजोरी में पैसा बचत, ये लक्ष्य नहीं है। मेहनतकारी लोगों को अपनी हक दिलवाना, ये हमारी लक्ष्य है। इसी की नाम है टेक्नोलॉजी ड्रिवन डीबीटी। इसलिए आप चीजों को सीमित मत करिए कि सिर्फ दो चार आइटम, दो चार कमोडिटी की पेमेंट को, विशेष करके सब्सिडी को अगर हम डीबीटी कर दें तो उसमें बचत होती है। ये तो एक काम है ही, हमने एलपीजी ने उस एलपीजी में उसको प्रूव कर दिया है। आने वाले दिनों में सारा पेमेंट हम ऐसे ही करने वाले हैं, लेकिन उसके आगे मैं दो कदम कहता हूं। सारे वेजेस अगर हम बैंक खाते में पहुंचाते हैं, डीबीटी करते हैं, तो उसमें से मध्यस्थी, बिचौलिया और अन्य प्रकार की अव्यवस्था उसमें बंद होती है। मजदूर कामगार लोग अपनी मेहनत की गाड़ी, मेहनत कमाई की कोई हकमारी उनकी नहीं होती है। तो अब अगर हम आपके सेक्टर की बात करें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर के बारे में, ये कहा जा रहा है कि अभी भी हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं एनर्जी सेक्टर में, उसको ठीक करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? आपने कतर के साथ एक एलएनजी डील साइन किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बात चल रही है, कब तक वो गैसेस हमारे पास आने लगेंगे और उस पर आगे की क्या रोड मैप सरकार के पास है? देखिए, भारत के बारे में सबने एक प्रेडिक्ट किया है, आने वाले 25 सालों में यानी 2040 तक विश्व भर में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसकी 30% खपत सिर्फ भारत में होगा। इंक्रीमेंटल ग्रोथ की 30% हिस्सा भारत की रहने वाला है। आज की आवश्यकता और आने वाले 25 साल तक जो हमारी आवश्यकता है, इसको अगर हम एक बड़ा उसके लिए आवश्यकता को कहाँ से पूर्ति करें इसकी योजना बनाते हैं, तो यह हमको एक सीमा हमारे सामने आती है कि हमको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। अभी भी हम लोग अपना आवश्यकता की 70-75% इंपोर्ट ही करते हैं, हमारी आवश्यकता अनुसार करना। ये सब तो चीजें हैं, लेकिन वही मेरा प्रश्न ये था कि अगर कतर से जो डील साइन हुई उसके तहत कब तक गैस हमें एलएनजी मिलना शुरू हो जाएगा और उस पे सरकार का क्या रोड मैप है? वो कतर तो हम ले ही रहे हैं, डील साइन हो गया, कब तक गैस आना शुरू हो आ रहा है? हमारे कई सालों से कतर से गैस आ रहे, अभी भी हमको हमने अपना डील को रीनिगोशिएट किया, कोई फ्रेश निगोशिएशन नहीं हुआ, अभी भी कतर से हमारे पास गैस आ रही है। और आगे चल के जो क्रूड बेस इकोनॉमी हमारी है, क्रूड हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इसको आपका प्लान ये था कि इसको हम गैस बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे। क्रूड और गैस दोनों की अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ऑयल और गैस की, तो गैस धीरे धीरे विश्व में सस्ता और स्वच्छ है। अभी भारत में जिस प्रकार के हम लोगों ने, जैसे हमने क्रूड ऑयल के ऊपर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया, इसीलिए उसको एक कम उसमें वो सस्ता है। हम आज इंपोर्टेड गैस के ऊपर, एलएनजी के ऊपर ड्यूटी लगाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। हम सरकार को, भारत सरकार के वित्त विभाग को समझाते हैं कि ये स्वच्छ ईंधन है, उसमें कम टैक्स लगनी चाहिए, लो टैक्स लगनी चाहिए, जीरो टैक्स लगनी चाहिए। तो क्या बजट में ये डिमांड आपने की है? हम निरंतर इस बात को वित्त मंत्रालय के सामने रखते आ रहे हैं कि अगर भारत को स्वच्छ ईंधन पहुंचाना है तो भारत में गैस के ऊपर जो टैक्स है उसको रिविजिट करने की आवश्यकता है, वित्त विभाग उसमें से विचार करना चाहिए।
दूसरा जो आपने गरीबों की बात की, उस सिलसिले में एक बीपीएल फैमिली के लिए जो उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की गई थी, उसमें ये हो रहा है कि कनेक्शंस तो फ्री में दिए जा रहे हैं, क्या आगे चल के ये भी इस तरह की बात है कि बीपीएल फैमिलीज को सिलेंडर्स पे भी कुछ सब्सिडी और ज्यादा दी जाए या फ्री में सिलेंडर? तो सिलेंडर सब्सिडाइज है ही, पर फ्री में अभी बहुत कम सब्सिडी, अब तो सब्सिडी और इस पे काफी डिफरेंस कम हो गया। ये 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 जो ये तर्क बहुत गलत तर्क है, इसमें से मत जाइए। नहीं, मेरा तर्क दूसरी तरीके से, हम ये कह रहे हैं ये 10 लाख से ज्यादा का है अभी आप सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को, क्या वहाँ सब्सिडी खत्म करके बीपीएल ऐसी फैमिलीज को जिनके पास ये नहीं है वहाँ ज्यादा सब्सिडी बढ़ाई जाए? देखिए, हमने तो अपील किया था, प्रधानमंत्री जी ने खुद देश के नागरिकों को अनुरोध किया था जो अपने जेब से अपना चूल्हा जला सकते हैं वो सब्सिडी ना ले। 1,20,00,000 लोगों ने 1.5 साल के अंदर अपना सब्सिडी छोड़ा, ये मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। सरकार चलाने का अपने अपने तरीका होता है, अब दो तो सबको दो, काटो तो जबरन काट दो, ये क्यों, ये यही तरीका क्यों हो सकता है? जिनको जरूरत है उनको सब्सिडी दिया जाए, जो अभी ले रहे हैं उनको समझा के उनसे निवृत्त किया जाए, ये प्रक्रिया हमने अपनाई और हमको सफलता भी मिली है। तो आने वाले दिनों में इसको और बढ़ाया जाएगा, 5 करोड़ का टारगेट आप टाइम पे मीट कर लेंगे? हम तो 8 महीने में पूरा कर दिया, हम तो 12 महीने की लक्ष्य लेके चले थे 1.5 करोड़ लगाने के लिए, हमने 5-8 महीने ही 1.5 करोड़ को पूरा कर दिए, इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी जो लक्ष्य सरकार ने हमारे ऊपर दिया है, विभाग को दिया है कि 3 साल के अंदर, 3 आर्थिक वर्ष के अंदर 5 करोड़ गरीब महिलाओं के नाम पे सरकार की मदद से LPG कनेक्शन पहुंचा देना, हमने पहुंचा दिया।